पब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है, जहां मिलते हैं आपको हर रोज नई नई जानकारियों की लेटेस्ट अपडेट। आखिरकार अब बिटकॉइन के अच्छे दिन लौट ही आए। लगातार पांचवें दिन कीमतों में उछाल आने से अब इन्वेस्टर्स को मुनाफा भी होने लगा है। सितंबर 2021 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि इसकी कीमतें लगातार पांच दिनों तक बढ़ने लगी हैं। इसके साथ ही दुनिया भर के निवेशक इस जोखिम वाली संपत्ति को फिर से अपनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली और मार्केट वैल्यू के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। सोमवार शाम 9:30 बजे बिटकॉइन की कीमत 3.13% बढ़कर $43,741.40 करीब $32,65,000 का कारोबार कर रही थी। पिछले पांच दिनों में बिटकॉइन की कीमत 18.44% बढ़ी है। तो वहीं अगर दूसरे कॉइन्स की बात करें तो XRP में सोमवार को 16% की उछाल देखी गई, जबकि मीम कॉइन शिबा इनू की कीमतें 24% से ज्यादा तेजी आई। तो वहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एथर 2.71% की तेजी के साथ $3,141.25 पर कारोबार कर रहा था। डोज कॉइन 6.16% के साथ $0.16 और कार्डानो करीब 5.45% की तेजी के साथ $1.20 के भाव पर ट्रेड कर रहे थे। हाल के सप्ताहों में क्रिप्टो करेंसी के ग्लोबल मार्केट्स में तेजी आई है, क्योंकि निवेशक तेजी से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती की भावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। बिटकॉइन की कीमत नवंबर 2021 में $69,000 के रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच गई थी और उसके बाद इसमें करीब 25% की गिरावट आ चुकी है। हालांकि पिछले पांच दिनों में बिटकॉइन के दिन वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े एनालिस्ट कहते हैं कि बिटकॉइन के लिए फंडामेंटल स्तर पर बहुत खास बदलाव नहीं आया है, ऐसे में हमें बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन 43,000 के स्तर को पार कर गया है, हालांकि 45,000 स्तर उसके लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ पब्लिक न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको हर रोज लेटेस्ट खबरें।